हे गाइस, वेलकम बैक एक्शन प्लस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज बात करने वाला हूँ हॉलीवुड की टॉप हॉरर मूवीज़ के बारे में, जो शायद आपने अभी तक नहीं देखी होगी। तो गाइस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो काफ़ी अच्छी जानकारी आपसे मिस हो सकती है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का काम डाउन। तो हमारे काम डाउन के फर्स्ट नंबर पर जो मूवी आती है गाइस, मेलिग्नेंट, रिलीज किया गया था साल 2021 में। इसकी कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है गाइज, मेडिसिंस को भयानक हत्याओं से चौंका देने वाला सच उसके सामने आता है। जब गाइज उसे पता चलता है कि जो चीज़ सपनों में हो रही है वो रियलिटी से जुड़ी है। आखिर ये सब कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा। मूवी की IMDb रेटिंग की अगर बात करें तो 6.3 आउट ऑफ 10 है गाइज। एक मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर मूवी है। अब गाइज इसमें क्या मिस्ट्री छुपी है तो मूवी में ही देखना पड़ेगा। अब हमारे काम डाउन के फर्स्ट सेकेंड नंबर पे जो मूवी आती है गाइज, द कंजूरिंग द डेविल मेड मी डू इट। गाइज इसका काफ़ी बड़ा नाम लग रहा है, लेकिन इसके और भी कई पार्ट आ चुके हैं द कंजूरिंग जैसे, द कंजूरिंग 2। ये पार्ट आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करें जो ये रिलीज की गई थी साल 2021 में, कहानी इसकी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। वैरेन को एक हत्या की जांच करने जो कि एक राक्षस के कब्जे से जुड़ी होती है, वैरेन को एक मतलब ऐसी जांच करने के लिए सौंपा जाता है उसे काम। अब वो कैसे पता लगा पाता है कि कौन सा राक्षस उससे जुड़ा हुआ है और कौन डेविल है, या उस ह्यूमन के पीछे कौन मतलब भूत छुपा हुआ है जो हत्याएं कर रहा है, आखिर वो कैसे पता लगा पाता है, ये तो आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा। मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो 6.3 आउट ऑफ 10 है और एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है गाइज। अब बात करें गाइज हमारे काम डाउन के दो नंबर पे जो मूवी आती है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है इट। इसके दो चैप्टर आ चुके हैं, एक इससे गाइज पहले आ चुका है, ये 2019 में रिलीज किया गया था। कहानी इसकी कुछ इस तरीके से शुरू होती है गाइज, 27 वर्षों के बाद लार्सस को जब अपने दोस्त का फ़ोन आता है गाइज कि जोकर वापस आ चुका है। अब ऐसे में वो क्या फैसला लेते हैं कि जोकर को किस तरीके से ख़त्म करना है, ये तो आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों का सामना करते हैं। गाइज बात करें इसकी IMDb रेटिंग की तो 6.5 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है। गाइज एक ड्रामा फैंटेसी हॉरर मूवी है, काफ़ी ज़्यादा गाइज ये हॉरिबल मूवी है, तो उम्मीद करता हूँ ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी। अब बात करें हमारे काम डाउन के गाइज, हमारे काम डाउन के चार नंबर पे जो मूवी आती है द कर्ज ऑफ ललोरना। गाइज ये मूवी रियलिटी से जुड़ी है, कुछ घटनाएं जो रियलिटी में हो रही थी उसी पर ये गाइज मूवी बनी है, तो काफ़ी ज़्यादा ये मूवी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसे रिलीज किया गया था साल 2019 में। कहानी इसकी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है गाइज, जब वो अपने बेटों की जान खतरे में डालती हुई पाई जाती है। ऐसे में होता क्या है गाइज, जो एना होती है, एना एक होती है गाइज औरत जो उसको सलाखों के पीछे डाल देती है, लेकिन जब एना को पता चलता है कि उसके भी बच्चे खतरे में हैं, तो गाइज इसके पीछे क्या मिस्ट्री छुपी हुई, आखिर वो कौन कर रहा है जो बच्चों को मार रहा है गाइज, ये तो आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा। मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गाइज है। अब वो सच कैसे पता लगा पाता है कि उसके पीछे ह्यूमन है या एक बुरी आत्मा उसके अंदर है जो बच्चों को मार रही है, अब गाइज ये तो आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा। बात करें इसकी IMDb रेटिंग की तो 5.3 आउट ऑफ 10 है और एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। गाइज बात करें हमारे काम डाउन के पाँच नंबर पे जो मूवी आती है काउंट डाउन, रिलीजिंग डेट की अगर बात करें तो साल 2019 में रिलीज की गई थी। बात करें इसकी कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है, एक नर्स एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेती है। अब वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, जो कि उस एप्लीकेशन का काम क्या होता है, जो किसी भी व्यक्ति की मौत के समय की सटीक जानकारी देता है। अब गाइज जब चीज़ें बदसूरत होने लगती हैं तो उसे गाइज
जब कुछ चीज़ें उसे बदसूरत, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद कुछ चीज़ें उसे बदसूरत दिखाई देने लगती हैं, लेकिन गाइज उसे जब पता चलता है कि उसके पास केवल 3 दिन बचे हैं गाइज, अब वो 3 दिन में अपने आप को किस तरीके से बचाती है, कैसे सर्वाइव करके अपने आप को बचा पाती, ये तो आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा। मूवी काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल है। बात करें इसकी IMDb रेटिंग की तो 5.4 out of 10 है। एक हॉरर थ्रिलर मूवी है गाइज, इसमें थ्रिल काफ़ी टॉप लेवल का इसमें दिखाया गया है। तो वीडियो गाइज हमारा कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे गाइज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।